फटाफट करो, टाइम कम है। स्पेलिंग की कोई बात नहीं है। स्पेलिंग की बात है। ओह सॉरी सर, एक सेकंड सर। इंटेलिजेंस की क्या हिंदी? बुद्धिमान। स्ट्रॉन्ग समझ में नहीं आ रहा है। अरे सर, सर फिफ्थ क्या हुआ? इंटेलिजेंट। चार है मेन हाउस ऑफ एजुकेशन, उसको क्या कहेंगे? प्राइम हाउस। हिंदी में क्या? मुख्य। मुख्य है। मुख्य का मुख्य भाव। हायर एजुकेशन की अंग्रेजी क्या होगी? उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा। गेन की हिंदी। गेन की प्रॉफिट। गेन की इंग्लिश लाभ। गेन की इंग्लिश लाभ। ठीक है, लाभ। संचित ज्ञान। ठीक है, ठीक है। तो प्रथम प्रश्न ये होगा कि बच्चे के नंबर कितने हैं। ठीक है, ये मेन हाउस। प्राइम हाउस मीन्स मेन हाउस ऑफ एजुकेशन इज फोर्थ। इम्पोर्टेंट सभी हैं, बट नहीं, वो जैसे 2, 7, 11 ना, 7 इज द प्राइम हाउस ऑफ मैरिज, 2, 5, 11 में मेन हाउस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज 5, इस तरह से मेन हाउस ऑफ एजुकेशन इज 4। लेकिन वो जब हम प्रैक्टिकल करते हैं फिर इतना टेंशन नहीं करते, ये ना हो, ये हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन मैंने लिखे हैं। तो 4, 9, 11 मतलब ए ग्रेड, जो बच्चा फर्स्ट आया क्लास में। ठीक है ना, आजकल के केस में क्या हो गया कि 99.5%। हमारे टाइम में क्या होता है, अगर गुड सेकंड डिवीजन आ गई तो बच्चा फर्स्ट आया। ठीक है, हमारे टाइम में गुड थर्ड डिवीजन भी होती है। ठीक है, अभी ए ग्रेड हो गया 4, 9, 11, तो बी ग्रेड हो गया 4, 11 या 5, 11, दोनों में एक है। ए ग्रेड का मतलब हो गया 95% एंड अबव इन आजकल के हिसाब से। बी ग्रेड उससे थोड़ा सा नीचे हो गया अप टू 90, पर सबसे इंटेलिजेंट बच्चा जो होगा ये होगा 5, 11। एज कंपेयर टू 4, 11। एज कंपेयर टू एनी 11। 5, 11 होगा मोस्ट इंटेलिजेंट। कोई भी हो, मोस्ट इंटेलिजेंट इज 5, 11। आप जॉब भी काम भी करते हो, आप पढ़ भी रहे हो, मैरिड लाइफ भी चल रही है, ट्रेवल भी करते हो, सब भी चल रहा है ना। तो अगर आपका 5, 11 है तो आपकी अगर एजुकेशन है इट विल बी वेरी गुड, और आप सबसे प्यार भी रखोगे। जो बच्चा जो है टीचर का सबसे फेवरेट बच्चा हो, उस समय में तो प्यार ही है, फिर प्यार प्यार, उसके बाद प्यार प्यार हो जाता है। सर, मतलब प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। 5, 11 वाले ग्रेस्पिंग पावर अच्छी होगी या इंटेलिजेंस का मतलब बिल्कुल ठीक है। इंटेलिजेंस मीन ग्रेस्पिंग पावर। विजडम इज समथिंग डिफरेंट। विजडम इज हाउ टू अप्लाई द नॉलेज। मतलब 5, 11 वाले को ग्रेड से लेना देना नहीं,
उससे क्या लेना देना, वो नहीं है, वो सबसे इंटेलिजेंट है, सो इंटेलिजेंट थ्रू आउट लाइफ वो लेना देना तो मैडम क्या पावर रहेगा, लेना देना को छोड़, इंट्यूशन ज्यादा रहेगा, इंट्यूशन पावर ज्यादा रहेगा। इंट्यूशन क्या होती है सर? सुना इंट्यूशन क्या होती है, क्या होती है सर? इंट्यूशन मतलब जैसे हम लोग को ज्योतिष करते वक्त दिखता है ना, क्या दिखता है? नहीं मुझे काले कपड़े पहन के बैठे मुंह में ज्योतिष दिख रहा है, जो बिल्कुल ठीक है पूर्वाभास की, हमें पहले ही हो जाएगी कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा फील होने लग गया। 5-11 का मतलब ये नहीं, इंट्यूशन का अलग कॉम्बिनेशन है, ये नहीं, ये है कि ग्रेस्पिंग का पावर की बात कर सकते। सर जिनकी एजुकेशन छूट गई आप उनका अगर 5-11 है तो फिर धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, ठीक है? छूट गई जो है ना, हाँ, तो दो तरीके से छूट गई, या तो हम फेल हो जाएंगे, हाँ जी, या उस समय हम काम करने लगेंगे, प्रोफेशन में चले जाएंगे, फिर हमारे जब एजुकेशन के कम्बिनेशन फिर आएंगे फिर हमें लगेगा नहीं हम और पढ़ लेंगे, अच्छा। तो दो रीजन हो सकते हैं, फेल का भी कर लेते हैं प्रोफेशन का भी कर लेते हैं, री दोबारा है तो जब दोबारा एजुकेशन के आ जाएंगे दोबारा हो जाएगा, हेल्थ के कारण भी छू सकते हैं, ठीक है, या पढ़ने की इच्छा समाप्त हो जाए या फेल हो जाए, बट फिर भी उसका इंटेलिजेंट लेवल 5-11 अगर है तो अब तो इंटेलिजेंस लेवल तो हाई रहेगा, हां जी वो तो रहेगा रहेगा, उससे तो मतलब नहीं है, जरूरी नहीं कि उस समय हम पढ़ ही रहे हो, ये बात भी ठीक है। काम को समझने की प्रकृति अलग होगी, पैसा कमाने की बात अलग है, कोई भी चीज उसको समझने में आसानी जल्दी रहेगी, मतलब जल्दी काम से मतलब नहीं है, ये कोई भी चीज की ग्रेस्पिंग पावर है, आपको काम को समझना है, ग्रेस्प कर जाओगे बड़ा फास्ट, आपका कार्ड्स का काम है, कैसे कैसे प्रिंटिंग कैसी होगी, कौन से कलर की प्रिंटिंग कैसी होगी, कितनी जल्दी कटेगा, कैसे जुड़ेगा, कैसे प्राइस कैसे लगेगा, कमाना बात अलग है, कमाने का जो लोग बहुत अच्छा पढ़ जाते हैं वो कमाते हैं अच्छे, नहीं PhD जिसने करी हुई है उसकी लाख रुपए तनख्वाह होगी, वो छोले भटूरे बाहर सड़क पे कभी बंदा जो खड़ा उससे बास खा रहा है उस वो जो छोले भटूरे बेच रहा है वो मर्सिडीज में आ रहा है, उसको कुछ नहीं आता, ठीक है। अब आ जाते हैं 4-5 में, जैसे 11 हट जाएगा तो ग्रेड एकदम से डाउन हो जाएगा, 11 होना बहुत जरूरी है, स्कैटर्ड हो जाएंगे, स्कैटर्ड स्कैटर्ड का मतलब 4-5-9 का मतलब कैसा है, जैसे कोई प्लैनेट है X4-5-7-3-9-4-2-5, ये स्कैटर्ड नहीं है ये जुड़े हुए, स्कैटर्ड का मतलब क्या हो गया, फाइव यहाँ टू यहाँ जुड़े हुए नहीं है, तो उसके नंबर और कम हो जाएंगे, डिग्रेड 6-12 इज फेल और 3-6-8, 3-6-12, 3-8 ये पढ़ना नहीं चाहता, नो इंक्लिनेशन फॉर एजुकेशन, डोंट वांट टू स्टडी। और सर जिसकी पढ़ाई छूट जाती है उसका क्या मतलब? मैडम उन्होंने भी पूछा पढ़ाई किस किस वजह से छूटेगी, पढ़ना नहीं चाहता फेल हो जाएगा, काम धंधा करना चाहता या बीमार पड़ गई। सर मेरी पढ़ाई छूट गई मेरी शादी हुई। हाँ या शादी हो और क्या कर सकते हैं, शादी होती फिर और कुछ सोचता नहीं, शादी सोचती तुम करो तो मैं। सर तो वो कनेक्टेड है, अच्छा एक चीज पूछूं अगर वो 3 जैसे ऊपर नीचे 3-8-1 और नीचे 1 है बट वो कनेक्शन बन रहा है तो वो कैसे है? है? कैसे है? अच्छा मैं बताऊं 2-3-5-7 अभी मैं समझाता हूँ धीरे धीरे प्यार बोलो, हाँ। अभी अच्छा ये पढ़ना नहीं चाहता, 5-11 भी है, 3-8-12 भी है, 7-8-12 भी है, 3-8-6 भी है, तो कौन
टेक ओवर करेगा। सर नॉन इंफ्लेशन ज्यादा 386 नीचे की तरफ है, दैट विल टेक ओवर। इंटेलिजेंस लेवल इज वेरी हाई बट डजंट वांट टू स्टडी। अब बच्चा है अगर छोटा तो पुश करोगे तो निकाल के ले जाएगा, बट डजंट वांट टू स्टडी इट्स खुद। सर ये मेरा ही है तो देखो पता है, बताने की जरूरत नहीं है, देखो पता है ऊपर लिखा हमने चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तो चलता है, ठीक है। अब इसके बाद आए हम, ये कॉम्बिनेशन ऐसे नहीं आएंगे, कॉम्बिनेशन मिक्स आएंगे, ठीक है। जैसे इसके कॉम्बिनेशन है, ये टॉप क्लास कॉम्बिनेशन भी है और बिल्कुल खराब कॉम्बिनेशन भी, ठीक है। तो जैसे समझ लीजिए कॉम्बिनेशन अगर ए और बी का मतलब ये ऐसे वाले, ये आते हैं इनके साथ 812 के साथ या 168 के साथ, तो ये साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड होता है। पर्सन इज वेरी लॉजिकल, साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड। और 812 हल्के आते हैं, जैसे इसके ज़्यादा थे तो थोड़ा सा वो जो है 511 की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अभी एक दो और उसको लगा के समझाऊंगा अभी आपको, इस केस के अंदर जो है वो उसकी इंक्लिनेशन जो है उसको डुबा देगी, इसके अंदर इंक्लिनेशन नहीं होगी फिर भी वो कर जाएगा, लेकिन वो इंटेलिजेंट बहुत होगा और डेप्थ में सोचे। तो साइंटिस्ट जो है डेप्थ में सोचते हैं, लेकिन आधे पागल जरूर रहेंगे। इनके कॉम्बिनेशन में नहीं, थोड़ा बहुत एक इसका भाई भी है, इसका भाई भी है इसका भाई भी है। तो वो भी मतलब पढ़ा लिखा ज्यादा है, जब पढ़ा लिखा ज्यादा होता तो आदमी आधा पागल जाता है। तो क्या कहता है, शेव करने का तो पहले शेविंग क्रीम देखने का, कि शेविंग क्रीम में लिखा गया, वार्निंग भी देखने का, इधर से भी देखने का, उधर से भी देखने का, यहाँ भी देखने का, वहां भी देखने का, फिर बड़ी मुश्किल से ढक्कन खोलने का, फिर नहाने का, फिर देखने का कि कैसे उसको घुमाने का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कॉमन सेंस में कहीं ना कहीं कमी जरूर होती है। अपनी लाइन के माहिर होते हैं, लेकिन जो जो नॉर्मली डे टू डे जो काम होते हैं उसके अंदर वो काम नहीं कर पाते उतना अच्छे से, ठीक है। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन का क्या पता नहीं, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का एग्जांपल है कि उसके पास 2 बिलियन थी, उसके पास 2 बिलियन थी, तो वो जो है अपने मतलब घर से बाहर उनको निकाल देता आते हुए, वो सोने के लिए चली जाती थी और वो सुबह 6 बजे पंजे मारती थी दरवाजे पे, तो उसको खोलना पड़ता था दरवाजा। तो उसने सोचा कि दरवाजे में अगर मैं होल करा दूँ तो बिल्ली अंदर आ जाएंगी, तो मेरे को उठना नहीं पड़ेगा। तो बड़ाई को बुलाया कि इसमें 2 होल कर दें, एक छोटा और एक बड़ा होल, बड़ी बिल्ली में बड़ा होल, छोटी बिल्ली में छोटा होल। तो बड़ाई ने पूछा ये 2 होल करने की क्या जरूरत है, बोलता जो काम का है वो करी। तो उसने एक बड़ा होल कर दिया, फिर उसने सोचा इसको सबक सिखाना चाहिए, तो उसने कहा मैं कल आऊँगा, छोटा और कल कर दूंगा क्योंकि मेरे को कुछ काम है। उसने कहा कि कल आ जाइएगा। अब उसने देखा दोनों बिल्लियाँ अंदर आ गई, सुबह उठा। अब उसके समझ में आया कि दोनों बिल्लियाँ अंदर कैसे गई। अब वो बिल्लियाँ खेलती खोलती हुई बाहर भी निकल गई। अब वो फिर सोच रहे हैं छोटी बिल्ली को कैसे पता चला बड़े होल में से निकलना। तो जो इंटेलिजेंट बिल्ली में है उसमें नहीं है। तो ये प्रॉब्लम जरूर होती है, साइंटिस्ट आदमी होगा या बहुत पढ़ा लिखा आदमी हो जाएगा, पीएचडी हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं दिमाग का दही हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो वही पूछा बड़े कि भाई से, उसने पूछा भाई तू बड़े कैसे, उसने मैं भी ये सोच तुम इतना बढ़िया साइंटिस्ट कैसे, ठीक है। तो ये हो गया इस टाइप में, ठीक है। इसके बाद होते हैं अवार्ड एंड प्राइज, मेडिकल के हिंदी क्या हो गई, चिकित्सा विज्ञान,
चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा और इंजीनियरिंग की अंग्रेजी क्या होगी, यांत्रिक अभियांत्रिक। हिंदी इंग्लिश अवार्ड की इंग्लिश प्राइज की पुरस्कार है, अवार्ड की इंग्लिश आती है, अवार्ड की इंग्लिश नहीं पता। जैसे वो मिलता ना परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, वीर चक्र, प्रशस्ति पत्र, प्रशस्ति पत्र कह सकते हैं, सर्टिफिकेट हो गया। चलो यार नहीं पता तो छोड़ दो, जुपिटर वीनस की महादशा अंतर दशा चली चलेगी 10-11 और 6-11 में जुपिटर वीनस तो प्राइज मिलेंगे। स्कूल में अवार्ड कैसे मिलेंगे, उसको हेड बॉय बना देंगे या वैसे अवार्ड बना देंगे, हाउस का कैप्टन बना देंगे, प्राइज तो आपको पता किताब मिलती है। ठीक है, प्रोफेशन में भी सेम ही है, प्रोफेशन में भी सेम ही है। प्रोफेशन में क्या होगा कि फिर अवार्ड का मतलब डिपेंड करेगी, बात इस पर अभी चल रही है, वो प्राइज का पता नहीं, कार भी मिल सकती है, कुछ प्राइज प्राइज अवार्ड इज अवार्ड। इसके बाद है स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप होगी 4-6-11 और सिंपल 6-11। तो दिस इज, ये क्या होगी, ये स्कॉलरशिप हो, वैसे फ्री में पढ़ाएंगे। ये कॉम्बिनेशन है एजुकेशन में, और जो चीज बचती है वो होती है सक्सेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये जो है इसमें 5-11 और 6-11 विल टेक ओवर 4-9-11, 4-9-11 पीछे हो जाएगा, 5-11 आगे हो जाएगा। इंटरव्यू में सक्सेस 3-11, 3-11, 3-6-11, इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार। ठीक है, उसमें 3-11, 3-6-11 ग्रुप डिस्कशन वगैरह होती है, ये सब चीजें। बच्चा कैसा पढ़ाई के अंदर, केतु जो हो गया वो नो इंक्लिनेशन फॉर एजुकेशन हो गया, अभी लगाया था ना। ये 5-11 तो है पर 3-8-12 भी है, 3-6-8-12 भी है, 4-5-11 भी है, लेकिन नीचे तक चला जाता है 3-8-12, 6-6। इसका मतलब पढ़ाई में जो है कमजोर हो जाएगा, क्योंकि इसका पढ़ने की इच्छा नहीं, इंटेलिजेंस लेवल बहुत है लेकिन इंटेलिजेंस जाती कहीं हो रहा है। ठीक है, ये Venus कैसा है, 2-5-9 is good, ठीक है, nothing bad but not coming first in the class is good, medium। Sun कैसा हो गया, फिर 6 नीचे आ गया, तो 3-8-12, 6 नीचे आ गया, 5-11 ऊपर चला गया, 5-11 नीचे आ जाता तो बेहतर होता, तो फिर नहीं पढ़ा, पढ़ाई की इच्छा करती, ये बहुत बढ़िया हो गया। 11-2-5 अकेला 6 कुछ नहीं करेगा, तो उसमें कोई बुराई नहीं। ये 5-11, अब इसमें 6-12 जो हो गया ये टूट गया, टूट गया तो ये असर नहीं करेगा। ठीक है, 5-11 है सुपर इंटेलिजेंस। अब ये जो हो गया ये 3-8-12, 7-9-10, 1-6, अब इसमें क्या है जो 9-5-11, 8-12 ऊपर आ गया तो ये अच्छा हो गया। ठीक है ना, क्योंकि ये 6-12 फिर वो ब्रेक हो, इट विल टेक टू द डेप्थ, ये डेप्थ में लेके जाएगा। अब ये भी अच्छा है, जुपिटर भी अच्छा है, इसमें दिक्कत आ गई, ये खराब है, ये 6-12। तो बेसिकली मतलब ये क्या हो गई, मीडियम बच्चा हो गया क्लास में, कभी थोड़ा ऊपर चला जाता है, कभी 2-4 विषय में फेल भी होता है, जो भी पढ़ा नहीं, जब जब नेगेटिव वो आएंगे, क्या नाम है, प्लेनेट क्या आएंगे, फिर कर दी जाएगी, कान भी खींचने पड़ेंगे, क्योंकि पढ़ाई में दिल नहीं लगता। ठीक है, और जिस बच्चों के 5-8-12 है इसका दिल ज्यादा करता है, इसमें दिल का, कल कह रही थी ना, चुना पोतने का, हाँ
दिल्ली के बच्चे जो होते हैं वो ऐसे ऐसे करते हैं, बम्बई के नहीं करते, ठीक है। एक और हॉरोस्कोप लगा देते सर, एक और सही बच्चे की लगा दे। लगाओ सर। अब ये 12, 12, 12 कुछ नहीं करेगा, खराब करने के लिए हमें दो चाहिए, या 6, 12 या 8, 12, ये भी बहुत बढ़िया हो गया। ये 8, 12 आ गया इसमें, लेकिन 9, 11, 9 नीचे करता है, तो इतना माड़ा नहीं है, ये बहुत बढ़िया हो गया। ये 6, 12 भी आ गया, 2, 5, 11 भी आ गया, 5, 11 और 6, 12 बराबर की टक्कर होगी, ठीक है। ये ओके टाइप है, ये 4, 9, 11, 8, 12 से स्ट्रॉन्गर हो गए, बहुत अच्छे। ये 11, 5, 11, 6, 12, 2 ये मिक्स हो गए, दो ब्रांड मिक्स हो गए, बाकी सब बढ़िया है, तो जो मिक्स हैं वो भी अच्छे रिजल्ट देंगे। अभी ये क्योंकि 5, 11, 4, 5, 11, 4, 9, 11 ये सब है, ठीक है। तो 5, 11 में एक चीज़ और मैं कहनी भूल गया, 5, 11 में ऑलराउंड ग्रोथ होगी बच्चे की, क्रिएटिव बच्चा होगा। जैसे आपके 5 बहुत है, अभी आपकी हॉरोस्कोप लगी वेरी क्रिएटिव, यू कैन सी क्या कपड़े पहने हैं, किस तरीके से पहने हैं, फेस पे कहाँ पर क्या चीज़ लगेगी, अपनी क्लास का तो माइंड वगैरह यही करता था। अभी लास्ट मंथ में अचानक से उसको प्रीफेक्ट ने हटा दिया, और लास्ट इस मंथ में जो उसके टेस्ट हुए वो भी मतलब नंबर बहुत कम आए, मतलब आप पकड़ दिए बी ग्रेड के नंबर है, ए ग्रेड के नंबर आते, वो थोड़ा बहुत अप डाउन होता रहेगा, लेकिन बेसिकली बच्चा अच्छा रहेगा। वो जहाँ यहाँ में थोड़े से गड़बड़ आ जाएंगे, जैसे राहु आ गया, मरकरी आ गया, नहीं नहीं 12 के साथ, जैसे ये जब तक 8 नहीं आएगा, 8, 12 नहीं होगा, 6, ये 6, 12, ये 8, 12, तब तक गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए लाइन आगे एजुकेशन में वो भी करेंगे, तो बीच में थोड़ा अपडाउन तो चलता रहता है, बट वो क्लास टेस्ट में कोई एक क्लास टेस्ट ऊपर हो गया नीचे हो गया, बाकी यू विल रिमेन गुड थ्रू ओवरऑल। वैसे तो अच्छा है, बट ही इज मोर इंटरेस्टेड इन दिस कुकिंग में, उसको कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है, आई डोंट नो, नहीं क्रिएटिव बहुत है बच्चा। अब हम ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हमें कहना कि क्रिएटिविटी किधर जाएगी, ये थोड़ा मुश्किल है। बस सिंगिंग में जाएगी, म्यूजिक में, सिंगिंग में भी जाएगी, लेकिन इसकी ऑलराउंड ग्रोथ होगी, स्पोर्ट्स में भी है इसकी, क्या जो 5-11 होता है इसकी ऑलराउंड ग्रोथ होती है, क्योंकि 5-11 लगातार है, 4-9 के साथ है, तो ऑलराउंड, जैसे माइंड भी है, स्पोर्ट्स में भी, म्यूजिक में भी, ये भी करना, वो भी करना, तो बोल सकते हैं। एट ट्वेल्थ से फॉरन नहीं जाएगा सर, 9, 12 से फॉरन जाएगा, तो ये फॉरन चला जाएगा सर, कह रहे हैं 8, 12 से रिसर्च करने के लिए इतना तो पैसा ही नहीं है, कैसे भेजें, मेरे लड़के की है, क्योंकि नहीं 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 आप में तो भेज ना, वो खुद चला जाएगा, वो ये कह रहे हैं सर, ये कह रहे हैं कौन होते हैं भेजने वाले, पत्री भेजे बहुत ज्यादा नहीं है, बड़ी करनी है, बहुत ज्यादा नहीं है सर, इंडिया के अंदर भी जा सकता है ये, इट्स अ लॉन्ग ट्रैवल, नॉट नेसेसरली बी फॉरेन ट्रैवल, इट इज लॉन्ग ट्रैवल,
जैसे पूना तो पास ही में हो गया, जब हम लॉन्ग ट्रेवल कह रहे हैं तो कम से कम 1000 किलोमीटर दूर कह रहे हैं। दिल्ली हो सकता, दिल्ली जाए लॉन्ग ट्रेवल का मतलब यह है कि जहाँ पर वो फर्क आ जाए, क्या नाम है, भाषा भोजन पहनावा मौसम, ठीक है, चांस बन गया ठीक है। अब दिस इज ऑल अबाउट एजुकेशन, दिस इज ऑल अबाउट एजुकेशन। अब इसके बाद आता है कि बच्चा 10वीं क्लास में क्या ले, 11वीं में क्या ले, 11th क्लास में क्या ले, ग्रेजुएशन में क्या ले, हायर एजुकेशन में क्या ले, ठीक है, और कोई क्वेश्चन है नहीं, तो वो प्रोफेशन से हम मर्ज कर देंगे, ठीक है, तो प्रोफेशन क्या करें, प्रोफेशन की इंग्लिश में व्यवसाय हिंदी या जॉब, इंग्लिश बताओ, सो नौकरी 10 नेम फेम पोजीशन, यश प्रतिष्ठा नाम प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा के स्पेलिंग को नहीं लिखा प्रॉब्लम तो यहाँ है ना, 11 हो गया, लाभ, लाभ की हिंदी होगी गेन, 7 हो गया बिजनेस, बिजनेस की इंग्लिश हो गई व्यवसाय, व्यापार, वेरी गुड, ठीक है। अब इसको कैसे कर रहे हैं, तो इसमें भी यही है कि कैसा चलेगा, बढ़िया चलेगा, खराब चलेगा, कितना बढ़िया कितना खराब, पेन हमने कहा कि जैसे मैरिज में 2711 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन, चाइल्ड बर्थ में 2511 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन, लिटिगेशन में 6812 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन, बट इन केस ऑफ प्रोफेशन इट इज डिफरेंट। हाउसेस तो ये हैं, 2, 6, 10, 11 में से 2 अगर हट भी जाएगा स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 घट भी जाता कोई फर्क नहीं पड़ता, 11, 6 हट जाता 10 लग जाता 11 का कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 भी लग जाएगा कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता, और ऑल्दो 2-11 वीकर देन 6-11-10, ठीक है, और जैसे ही 11 हटता है गेम चेंज हो जाती है सारी, और अकेले अकेले हाउस की स्ट्रेंथ कम होती है। क्लास में प्रिंसिपल बिठा के यही फायदा होता है, गलती पता पकड़ी जाती है, ठीक है। अब जो है मतलब 2, 6, 10, 2 हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 इज द वीकेस्ट हाउस, सबसे कमजोर हाउस है, लेकिन ये भी पैसा देता है, ठीक है, सब जगह यही बताया जाएगा 2 ही पैसा देता है, 2 ही नहीं देता, सबसे कम देता है, लक्ष्मी स्थान 5 9 है नहीं है, कोई लक्ष्मी नहीं देती, लक्ष्मी उल्लू की सवारी है, उल्लुओं को देती है, नहीं देती है, हमें यही देती है, ठीक है। अब मैनेजमेंट हो गया, क्या मतलब है कि जैसे बच्चा ग्रेजुएट हुआ, इस कम्बिनेशन का मतलब क्या होगा, बच्चा ग्रेजुएट हुआ तो ग्रेजुएट बच्चे को ऑफिसर लगना चाहिए, एमबीए को मैनेजमेंट में लगना चाहिए, बट अगर ग्रेजुएट है तो उसको अपने लेवल से अच्छी नौकरी मिलेगी, एजुकेशन से भी अच्छी मिलेगी, और अगर ये कम्बिनेशन है तो जो उसकी एजुकेशन है उसी लेवल की मिलेगी, और अगर ये है तो उससे नीचे की मिलेगी, तो मैंने एक तरीके से ग्रेजुएट के कह दिए, ये मैनेजमेंट की मिलेगी, ये ऑफिसर ग्रेड मिलेगी, ये क्लरिकल, ठीक है। अब है बैंकरप्सी या फिर लॉस ऑफ जॉब, अगर बिजनेस कर रहा है तो बैंकरप्सी है, और अगर
जॉब कर रहा है तो टर्मिनेशन काम जॉब है ना। बैंकरप्सी की इंग्लिश क्या होगी सर? दिवाली, दिवाली होना। पांच आठ और बारह ये दिवाली ऑर्डर या नौकरी से धक्के मार के बाहर निकाल देना या नौकरी छूट जाना विद ट्रबल, ठीक है। आठ क्या हो गया? इंसल्ट। बारह क्या हो गया? लॉस, बेइज्जती। और पांच क्या हो गया? बुद्धि। या पांच क्या हो गया? ऑपोजिशन का ग्यारहवां, ठीक है। कल मैं जो पेप्सी कोक समझा रहा था तो अगर कोक का छह ग्यारह है तो पेप्सी का पांच अठवारा है, इसका मतलब छिपकली वहां से, ठीक है। तो पांच अठवारा दूसरे तरीके से देखें तो ये बुद्धि है, ये भ्रष्ट है। जब आदमी गाना जाता है ना खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इसका मतलब बुद्धि भ्रष्ट है उसकी। हाँ, उसका भी यही है ना, प्राइवेट ट्वेल्व है, एक्स्ट्रा मेंटल है, उसका भी यही है, लेकिन पांच और बारह जैसे होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ठीक है। और छह आठ बारह भी जो है ये भी खराब है इक्वली, ठीक है। दिवालिया होना या नौकरी छूटना। ठीक है, उसका रीजन मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, सिक्स ए ट्वेल्व और फाइव ए ट्वेल्व कौन ही मोर लेस बराबर है, पांच आठ बारह थोड़ा ज्यादा खराब है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बुद्धि भी भ्रष्ट होती है। एक दो प्लैनेट्स में अगर आता है तो फिर लव अफेयर नहीं है, तो फिर यही प्रॉब्लम है। मेजोरिटी में जब आएगा पांच आठ बारह तभी उसके स्कैंडलस लव है। दो तीन प्लैनेट का कोई ऐसी बात नहीं, अगर मेजोरिटी में चार पांच छह सात ऐसे हो जाते हैं देन इट इज लव अफेयर, स्कैंडलस लव अफेयर। अगर वैसे दो चार दो तीन प्लैनेट के अंदर है फिर ये वो इंटेंशन नहीं है, फिर इसकी जॉब जा रही है, तो बंदा ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मेजोरिटी में तो उसका दिमाग ही नहीं था, इसका दिमाग ये चलेगा तो फिर उसका दिमाग काम में नहीं चलेगा। पांच आठ बारह जॉब के टाइम में एक राकेश को लिखना नहीं, राकेश कुछ हाँ यस, तो इसके अंदर एक मेनिफिक जरूर है, वेरी लेट से ये जो है इसका राहु केतु शनि आना चाहिए, तो छूटना अलग होना है, तो उसमें राकेश आएगा, ठीक है। वैसे वो जुपिटर वगैरह भी आएंगे तो एक बार तो हिलाएंगे, हिलाते रहेंगे दोनों का एक जुपिटर भी ना, हिलाते रहेंगे हिलाते रहेंगे, राहु केतु शनि झटका मार के तोड़ देंगे। तो अंतरा में भी आया हो तो भी जैसा मेरा जो हुआ अंतरा में भी आएगा तोड़ देगा, बट लेकिन जैसे वीनस जुपिटर आपका वीनस में कल पांच आठ है उसमें पांच अठारह, तो वो क्योंकि वो बेनिफिक्स हैं तो वो न छोड़ते बनते ना निकलते बनते हिलाते रहते हैं। अभी तो छूट ही है पूरा नहीं, फिर जब बीच में राहु की अंतर दशा आ गई फिर वो तोड़ देंगे। तो इस तरह यू रिक्वायर ए मेलिफिक टू डू इट राकेश। इसके बाद आ जाते हैं हम कि किस किस टाइप की जॉब, या वही हो गया कि दसवीं में आदमी क्या करे, ग्यारहवीं में क्या, मतलब ग्यारहवीं में क्या सब्जेक्ट ले गया, ठीक है। जो जो बच्चा हाँ लाइन सिलेक्शन, तो वही प्रोफेशन का वही एजुकेशन का क्वेश्चन तो वही है। तो 4, 9, 11, 5, 11 प्लस 8, 12 ये अधिक हो इन मेजोरिटी प्लैनेट, सबसे अधिक प्लैनेट्स में, या 4, 9, 11, 5, 11, 1, 6, 8, 1, 6, 12, 1, 8, 12 तो उधर चले जाएंगे कॉमर्स में, 2, 11 and some 3, 11 तो ये हो जाएगा कॉमर्स। कॉमर्स अकाउंट्स और कुछ भी नहीं है, मिक्स मुक्स है, तो फिर देयर इज आर्ट्स, ठीक है।
अब जो बच्चे के 5-12 बोल है उसको कान क्या करेंगे, और जो बच्चे के 7-8 बोल है उसका करेंगे। कुछ बच्चे हैं 7-12 वाले क्या करेंगे, वो काफी फाड़ देंगे, तो बच्चे के पेट पटे हुए, ठीक है, लड़ता रहेगा, कभी इससे लड़ दिया, कभी इसको तोड़ दिया, कमीज पटी आ गई, बस्ता फट गया, कापी फट गई, किताबें वहां छूट गई, ठीक है, तो वो बच्चे क्या होगा 7-8 अब रोज कंप्लेंट है, इसको मार दिया, इससे पिट गया, इससे बढ़ गया, तो उसको क्या करेंगे बच्चे को, उसको हैवी स्पोर्ट्स में डालेंगे, स्पोर्ट्स में भी हैवी स्पोर्ट्स में, कौन सा, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, और कौन सी होती है, कुश्ती, कुश्ती 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 कराटे बराटे, तो उसकी एनर्जी वहीं लग जाएगी। और अगर ये बच्चा पढ़ गया उसके बाद दशा मुक्ति अंदर शुरू हो गया, तो फिर वही है सिक्योरिटी में डालो, बात वही की वही। सर ये पुलिस नेवी आर्मी में सिक्योरिटी, आर्मी नेवी पुलिस पुल्स पुलिस वाले में कॉम्बिनेशन रहता है, इधर मराठी है, इधर पुलिस में डालेगा, वो उधर अपने दिल्ली है, वहाँ पुल्स में डालेगा, पुल्स, समझा गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जिनके 5-8 उन बच्चों का क्या करेंगे, ये भी नहीं पढ़ने, ठीक है, इन बच्चों को क्रिएटिविटी में डाले, क्या डालेंगे मैडम, क्या वो ये इसका इसका क्या होती है इंग्लिश, हाँ ब्यूटी में कॉस्मेटोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी एक्टिंग में, फैशन, फैशन डिजाइनिंग, फैशन कपड़ा डिजाइनिंग, क्या होता है, क्या डिजाइन, फैशन डिजाइन, वही एक्टिंग, ग्लैमर, ये ग्लैमर, अगर इनके साथ 10-11 लग जाएंगे तो ये बहुत राइज कर देंगे। अच्छा जी, राकेश इन दी सेकंड हाउस, राहु केतु शनि इन दी सेकंड हाउस, और जो असेंडेंट होता है इसके अंदर डिप्रेशन एग्रेशन कुछ होना चाहिए, राकेश में भी 6-8 होना चाहिए, दूसरे भाव में राहु केतु या शनि में से एक हो, अपनी और उसको मैं मना है, राहु केतु शनि में से आपके 8 है और उसमें 11 है, 10-11 है शनि में, ठीक है, राहु केतु शनि में से एक दूसरे भाव में हो, और असेंडेंट में आदमी डिप्रेशन इसमें हो, देन आदमी विल बी मोर स्पिरिचुअल, मोर अ पर्सन इज स्पिरिचुअल मोर इज डाउन टू अर्थ, ग्लेन फिडिच जरूरत क्या, ठीक है, अब इसके बाद आ गया जो ये हो गया बैड फूड हैबिट्स, दैट मे नॉट बी ड्रिंकिंग एंड एक्सेसिव स्मोकिंग ऑल्सो, एक्सेसिव स्मोकिंग बहुत स्मोक करता हूँ वो भी ऐसा है, व्यसन मतलब व्यसन में भी कौन सा व्यसन, शराब पीना है, सिगरेट पीना, ये नहीं बता पाएंगे कौन सा है, खाली व्यसन रहेगा, हाँ कोई ना कोई रहेगा खाने पीने पीने का, ये बहुत जैसे आदमी मांस खाता है, शरीर लिवर खराब और मांस खा रहा है तो गड़बड़ है ना, राहु के तो शनि के अंदर होना चाहिए, ठीक है, अगर सेकंड हाउस में है तो हाँ तो ही, अगर सिर्फ सेकंड हाउस में हो तभी स्पिरिचुअलिटी में, हाँ तो ये आदमी ज्यादा स्पिरिचुअल होगा, वही सेम है स्पिरिचुअल या बैड फूड हैबिट है, आदमी को डिप्रेशन एग्रेशन बैड फूड होना चाहिए, कुछ भी व्यसन ऐसे जिसका आदमी को कोई प्रॉब्लम हो, ड्रिंकिंग के ऊपर शेयर वाला रहे, अगर सेकंड हाउस दिमाग खराब हो सेकंड ये दोनों शेयर वाला कि तो 7-12 और सर अगर सुन बता कौन आदमी ज्यादा दारू पिएगा या सिगरेट पिएगा क्यों, तो उसको कोई मेंटली प्रॉब्लम, डिस्टर्ब
डिप्रेशन में होगा, तो या तो उसको डिप्रेशन हो या वो गुस्सा बहुत आता हो, एंजाइटी रहती हो कुछ, तो वो पिएगा आपके दिमाग को शांत करने, वो लग्न में रहेगा तो क्या? तो लग्न में जैसे हमने बताया था डिप्रेशन कैसे ढूंढना, लग्न में हो, लग्न का स्वामी हो, लग्न में बैठे ग्रह हो, मेजोरिटी ग्रह हो, और फिर शनि राहु केतु में से एक दूसरे भाव में बैठा हो, तो फिर ये बहुत ज्यादा सिगरेट दारू ऐसे पिए। अच्छा, शनि राहु में से सिगरेट, अब हम कह रहे हैं सिगरेट पिएगा, दारू पिएगा, अफीम खाएगा, ये नहीं हम बता सकते, लेकिन अपने शरीर को खराब करेगा। अब कई लोग आइसक्रीम अमेरिका में वो रोते जाते हैं और आइसक्रीम खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, और कितने वैसे गिरते हैं तो ट्रेन मंगानी पड़ती है 250 किलो। ये जो ये कॉम्बिनेशन है, ये अंतर दशा में भी हो, राहु मेरे राजे ये प्लेनेट ये हॉरर स्कोप में है, शनि अगर नहीं है तो सैटर्न अगर सेकंड हाउस में नहीं है, राहु शनि केतु में से एक होना चाहिए। हाँ, कोई नहीं सेकंड हाउस दोनों तो नहीं हो सकते, मैक्सिमम दो ही सर, अगर वो एक प्लेनेट है पर 6 से 12 नहीं है ना, फिर कुछ नहीं, तो नहीं ठीक है। अब आईएएस का कंबिनेशन, अब आईएएस लोग आप लोग पूछेंगे आईएएस बनना है क्या करे, ठीक है ना, कौन सा बच्चा आईएएस बनेगा, ठीक है, जो 6, 11, 10, 11 होगा इसमें वो बच्चा आईएएस बनेगा, और सन मून दशा भुक्ति अंतर में होना चाहिए, क्योंकि सन गवर्नमेंट वो दशा भुक्ति अंदर में होना चाहिए और उनके अंदर भी होना चाहिए, और उनके अंदर नहीं होगा तो बाद नहीं बनेगी, ठीक है। फिर आता है आईपीएस, तो आईएएस प्लस मंगल, आईआरएस, आईएएस प्लस 211 एंड सम 311, आईएफएस, आईएएस प्लस 3 नंबर, ठीक है, ऐसे बड़े सारे हैं। अब आ गया ब्रह्म, ये पॉलिटिशियन लीडर, आईपीएस बनने के लिए सन मून और मार्स में मार्स, मार्स तो वर्दी वाली, वर्दी वाली मार्स यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म प्लस साथ में सन या मून कोई एक तो होना ही चाहिए। जी जी, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट अथॉरिटी तो मिलेगी अपने, ठीक है। इसके बाद है लीडर, लीडर पॉलिटिशियन, दिल्ली के हवाई अड्डे का क्या नाम है, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी भाई उड़ाना चाहती थी, भाई उड़ाया उसे कभी नहीं, इवन देन द नेम ऑफ द एयरपोर्ट इज इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। चरण सिंह एयरपोर्ट कौन सा, लखनऊ, चरण सिंह ने कहा भाई जाए को लेना देना कोई नहीं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल, जयप्रकाश जी का क्या लेना देना, अब वो तो डायलिसिस में रहते थे, डायलिसिस में इतने लोग हैं उनके नाम पे तो नहीं, ठीक है। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी खुद ही पढ़ी लिखी यूनिवर्सिटी उसके ना, ठीक है, वो ताऊ मालिनी था, ताऊ पार्क है हरियाणा, ठीक है। तो महात्मा गांधी रोड, जो भी सिटी होती है उसमें सबसे बड़ी रोड महात्मा गांधी रोड, महात्मा गांधी का क्या लेना देना अभी, सर उन्होंने दांडी मार्च किया था। ओह यस, देयर इज अ लॉट, यस यस, मंडे यू विल कम समथिंग सर। ये आईआरएस का क्या होता है, आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस, नहीं 211, ये जो कल यादव जी आए थे वो एंड सब कुछ देर 11 बजे, यादव जी वही हो गए ना आईआरएस में, आईआरएस में हो गए ना यादव जी कल जो आए थे, काम और लोग करते हैं बेनिफिट ये उठाते हैं, जैसे
111, 161, 1. सर दिस इज ये कॉम्बिनेशन है, जैसे 6, 11, 10, 11, लेकिन उसके बाद 1 लग जाता है, तो फिर वो आईएएस की जगह पे पॉलिटिक्स में घुस जाएगा। अब देखो ये जो कॉम्बिनेशन है इसका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं, 1, 1, 6, 1, 10, 1, 6, 10, 1, 8, 10 का क्या लेना देना एजुकेशन। इसीलिए जो बच्चा फर्स्ट आता है क्लास में वो डॉक्टर बनता है, सेकंड बच्चा जाता है वो इंजीनियर बनता है, थर्ड वो साइंटिस्ट बनता है, उससे नीचे जो बच्चा आता है वकील सॉरी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, उससे जो बच्चा नीचे आता है वो आईएएस बनता है। आईएएस में भी क्या लेना देना एजुकेशन का, कोई लेना देना खास। उसके बच्चे नीचे वकील बनते हैं, उससे नीचे अकाउंटेंट बनते हैं, उससे नीचे क्लर्क बनते हैं, उससे नीचे चपरासी बनते हैं, उससे जो नीचे हैं वो बसें दौड़ते हैं, वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, क्योंकि एजुकेशन को लेना देना ये फैक्ट है। लालू जी बड़े पॉलिटिशियन कैसे बन गए, चीफ मिनिस्टर कैसे बन गए, कि उसने कहा कि सारे बच्चे अंदर हो जाओ, अंदर मतलब जेल में चले जाओ। ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ बिहार स्टूडेंट यूनियन, तो उन्होंने कहा ये इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी है सारे अंदर हो जाओ, तो लालू जी भी अंदर चले गए। बच्चों के तो करियर खराब हो गए, दो दो साल खराब हो गए, बाद बच्चे पढ़े नहीं पढ़े, लालू जी चीफ मिनिस्टर। रेलवे मिनिस्टर है जॉर्ज फर्नांडिस, वो किस वजह रेलवे मिनिस्टर था, 74 में सबसे बड़ी स्ट्राइक कराई थी, रेलवे स्ट्राइक 3 दिन चक्का जाम 77 के अंदर रेलवे मिनिस्टर। ठीक है, जितने भी लोगों ने जितने ज्यादा से ज्यादा आदमी मरवाए हैं वो उतना बड़ा लीडर बना। गांधी जी ने कहा तुम यहाँ कोई थप्पड़ मारे तुम इधर थप्पड़ खाओ, गांधी ने कभी थप्पड़ खाया, ऑर्डर जी कम टू थप्पड़ खाने से या थप्पड़ ना खाने से। केजरीवाल में दोनों मिलना चाहिए, केजरीवाल में भी वो और पॉलिटिशियन। केजरीवाल के बारे में कोई नहीं बोले, इनकी तो मूछें भी वैसी है। हाँ केजरीवाल के बारे में कोई नहीं बोले, मैंने दिल्ली वापस जाना। ठीक है, पॉलिटिशियन की तो बिल्कुल है, चाहे मोदी ले लो, चाहे मोटी ले लो, चाहे बहन जी ले लो, चाहे अम्मा ले लो, चाहे केजरीवाल ले लो, चाहे पप्पू ले लो, केजरीवाल भी शादी वहां करता है, लेटता सड़क के ऊपर। इनकी भी डिस्टर्ब रहती है, इनके में 6, 10, 11 भी हो सकता है, 1, 6, 10 भी हो सकता है, बाद में ये लोग फिर गवर्नर वगैरह भी बन जाते हैं, तो इनकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं रहती। किरण बेदी को प्रॉब्लम वो नहीं है कि हस्बैंड ने क्या खाया या नहीं पिया, उसको प्रॉब्लम है अन्ना हजारे ने क्या ना खाया पिया, मैरिड लाइफ ऐसी। ठीक है, फिर इसके बाद है लॉयर्स, लॉयर का 6-8 ऊपर होएगा और जो प्रोफेशन वाले जो नीचे होंगे, लिटिगेशन ऊपर होगा और उससे गेन जो है नीचे होगा। और जज का क्या होगा, लॉयर क्या, लॉयर प्लस जुपिटर वीनस प्लस सन, फिर लॉयर ही जज बनना है। बात तो 10-11 सब लॉर्ड में या नक्षत्र में अगर हैं तो ही विल बी लॉयर, ही विल बी द एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव मींस ही कैन बिकम द जज नाउ। अगर जुपिटर वीनस आ गया इट बी मोर रिस्पेक्टेड और गवर्नमेंट की ताकत आ गई, तो सन मून में से एक में होना चाहिए, जुपिटर वीनस में, और जब उनके पीरियड आएंगे देन ही बिकम द जज। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दिस इज ब्रह्मा विष्णु महेश राजयोग, सन मून सन या मून जुपिटर या वीनस। राजयोग क्या होता है, व्हाट इज राजयोग, राजयोग होता है कि यू मस्ट हैव अ टेरिटरी टू रूल बाय and there must be some people to rule on, लोग होने चाहिए जिनके ऊपर हम रूल करें,
और कोई बड़ा प्रॉपर्टी का चंक होना चाहिए, यानी कि मेरा घर है तो मेरी बीवी की वहां पर सत्ता चलती है, तो इसका मतलब उसका राजयोग नहीं हो जाता, क्योंकि एक ही आदमी टू रूल अपॉन, नंबर ऑफ पीपल टू रूल अपॉन, और टैक्स भी लेना चाहिए, ठीक है। तो राजयोग किसका, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में विष्णु ब्रह्मा महेश। अगर किंगडम है जैसे यूएई है, संयुक्त अरब एमिरेट्स वो है, उसमें तो जो खलीफा है, खलीफा है वही किंग है, वही सब कुछ है। हमारे यहाँ जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, उसके अंदर जो लॉ है वो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट, पॉलिटिशियन लॉ पार्लियामेंट में। ये ब्रह्मा को क्यों, कौन है, कितनी पार्लियामेंट है इंडिया में, एक ही है। ब्रह्मा जी के मंदिर कितने हैं, ठीक है, तो ब्रह्मा जी का मंदिर एक ही रहेगा जहां पर से रूल, रूल ऑफ लॉ बनेगा। कितने आईएएस अफसर होंगे, जितने डिस्ट्रिक्ट होंगे उतने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे, ठीक है, तो आईएएस वो। और कितने कोर्ट्स होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हर डिस्ट्रिक्ट में रहोगे, तो ये हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश। और जो आजकल राजयोग जिनका है, एक ही और लोगों का, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ठीक है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उनका भी होगा, तो वो 611 प्लस 1011 सेम, लेकिन वो सन मून नहीं होगा, उसके बाद जुपिटर वीनस या मर्करी दशा मुक्ति यंत्र में आएंगे, तो आदमी कॉर्पोरेट लेवल में जाके वो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में बैठेंगे, जाके सीईओ या टाटाज बिरलाज दिस एंड दैट, सो दे आल्सो मेक अ टेरिटरी फॉर देमसेल्फ, जमशेद जी नगर या मोदी नगर, ठीक है ना, वो भी अपना एक बना लेते हैं ना, तो एक साम्राज्य उनका है, जहाँ एक फैक्ट्री बड़ी डल जाती है तो आसपास एक शहर बस जाता है, तो यही राज हो गया, वो नमेश दशम में चला जाए, दशम पंचम में चला जाए, उनके जाने में रोजगार, रिक्शा वाला भी जो है लॉयर है उनका, क्यों, कॉमन मैन माइनस कॉमन सेंस इज इक्वल टीचर ऑफ नॉलेज, टीचर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, वो मैंने लिखा है। मतलब कोई भी, मतलब बेनिफिक प्लैनेट, कोई भी सन मून है वो अलग है, वो गवर्नमेंट को, ठीक है, ये हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश। सर अभी लिटिगेशन के लिए जो लॉयर था वो 6 से 12 वही है, वो कोर्ट में ही रहता है, उसका 6-8 बार ऊपर रहेगा, 10-11 नहीं, बेनिफिट फ्रॉम दी कोर्ट, 6-8 बार नीचे हो जाएंगे तो वो अपराधी हो जाएगा, एक्यूज हो जाएगा, 10-11 नीचे हो जाएगा तो वो जजेस बन जाएगा। पुलिस जितनी क्राइम करती है उतना क्राइम क्रिमिनल नहीं करता है, ये 6-11 और ये दशा मुक्ति अंतर, उनमें ये कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए, मतलब मून का पीरियड आएगा तब आएगा, मून का पीरियड कब आएगा, 2018 अगर ये है तो मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टॉप में होगा, और दशमुक्ति
उसके साथ इतना ही लिखा नहीं है उसके साथ प्लस मतलब इसके अंदर ही है ये सब तो होने चाहिए मेजोरिटी में और इन प्लैनेट्स में तो ये होना चाहिए इनमें से किसी ये देख लेते हैं ये हॉरोस्कोप है अभी ये हॉरोस्कोप में देखें अभी केतु इज 4591 59126 एजुकेशन के हिसाब से कैसा है 5911 है बहुत अच्छा ठीक है वीनस जो है 911 है बट वीनस इज मोर बेटर फॉर द प्रोफेशन देखो डिफरेंस क्या है केतु इज बेटर फॉर एजुकेशन बट इट इज नॉट दैट गुड फॉर प्रोफेशन Venus is more good for profession. No. Lesser good for education. Sun is bad. Education के लिए तो सत्यानाश है. Profession के लिए भी अच्छा नहीं है. 10, 10, 8, 12 नीचे आ. Moon 9, 11, 9, 11, 5, 9 Very good for education. Very good. Profession के लिए उतना अच्छा नहीं है. Education के लिए top class. Mars profession के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है. एजुकेशन के लिए उतना अच्छा राहु प्रोफेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा जुपिटर ओके फॉर ओके ओके दोनों के लिए ये नीचे 10-11 आ गया इट इज़ गुड फॉर प्रोफेशन लेकिन एजुकेशन के लिए उतना बढ़िया नहीं प्रोफेशन ही ज़्यादा बढ़िया ये बहुत बढ़िया अब 10-11 या 6-11 किस किस में है 1, 2, 3, 6-11, 4 10-11, 5 ये भी अच्छा है ये भी माड़ा नहीं ठीक है सन मून में से एक अच्छा होना चाहिए सन मून में से एक अच्छा होना चाहिए अगर आईएएस बनना है ठीक है ना तो अब क्या 78 का बर्थ है तो हमें 22, 23, 24 साल जोड़ने आईएएस तो ग्रेजुएशन के बाद ही बनेगा ठीक है तो जुपिटर हो गया और 22-24 साल जोड़ो तो सन 2000 हो गया सन 2000 हो गया तो ये हो गया राहु की दशा ठीक है ना तो राहु में मरकरी राहु में वीनस इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी गुड और जो राहु है इज कंजंक्ट विद मून अब सर ये देख लो युति का क्या हम युति को कैसे प्रयोग करते हैं कि राहु अगर चंद्रमा के साथ आ गया अब दशा गुप्तेंद्र में चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो चंद्रमा उसके साथ लग गया तो राहु में बुध में भी हो जाएगा राहु में शुक्र में भी हो जाएगा अंतरे में चंद्रमा आए ना आए क्योंकि आईएएस का क्या है 6-11, 10-11 इनमें से एक चंद्रमा जमा सन मून ठीक है ना तो राहु वीनस में आगे प्रत्यंतर में चंद्रमा नहीं भी आए सन तो अच्छा ही नहीं तो भी गाड़ी चल जाएगी क्योंकि राहु मून के साथ ठीक है तो अगर ये आएंगे ऐसे में कि वेदर शी शुड ट्राई फॉर आईएएस वी विल से यस शी शुड ट्राई फॉर आईएएस दैट मींस राहु टेक्स अवे द क्वालिटीज ऑफ मून सो वी डोंट नेचुरल ओनली नेचुरल क्वालिटीज ओनली नेचुरल क्वालिटीज ओके उसका 9-11 नहीं घुस जाएगा राहु के अंदर हां उसकी जो नेचुरल क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट उसके अंदर गवर्नमेंट आ जाएगी ठीक है अब इसी की क्योंकि आईएएस अफसर है इसकी मेरिट लाइफ देखो सन देखो 1-10, 10-1, 1-6, 2-7 ये फिर भी ठीक है फाइव एंड नाइन ये खराब है 1-10 वीनस इतना अच्छा नहीं है मार्स मिक्स है राहु खराब है शनि भी खराब है मरकरी भी अच्छी है क्योंकि वो प्रोफेशनली हाई यू हैव टू लूज समथिंग ऊपर वाले ने बड़ा अजीब सी गेम खेली है इंसानों के साथ बड़ी गड़बड़ की एक चीज देता है तो दूसरी दे दे मायावती को अगर पैसा दिया है तो मेरे जैसा पुत्र नहीं दिया अगर मेरे को अडॉप्ट कर ले तो मैं अभी भी तैयार हूँ बच्चों की अच्छी नौकरियां लग जानी है कहती थी दो लड़के इकट्ठे करूंगी मैं आपको ठीक है आप दोनों अच्छे थे कटे अर्जी देते हैं ट्विंस ट्विंस हुए ठीक है वो फर्क यह है दूसरा ट्विन 10 साल छोटा है ठीक है अच्छा ये बच्ची जो है ये आगे पॉलिटिशियन भी बन सकती है और
जो 110, 11, 16, 11 मैंने कहा है, इट कैन बी अ सोशल वर्क, इट कैन बी सोशल वर्क आल्सो, समाज सेवा भी हो सकती, क्योंकि इसमें वन वन लग रहा था, ठीक हो, दिस इज आल्सो पॉसिबल। तो ये हो गया आईएएस का, बता दिया मैंने क्या बताना है, ये हो गया आईएएस, हो गया पॉलिटिशियन, हो गया मेकर्स, हॉरर स्कूल। तो फिर मैं भी क्यों प्लीज, एक मेरे को बैंकरप्सी वगैरह की एक कंफ्यूजन है, जो ये हो गया वीनस हो गया, ये 5/12 हो गया, ये खराब हो गया, ठीक है ना, 10/11 है लेकिन 5/12 नीचे आ गया। सन ठीक है, मून अच्छा नहीं है, मार्स ठीक सा है, राहु बहुत बढ़िया हो गया, जुपिटर अच्छा हो गया, शनि खराब हो गया, और मरकरी मिक्स है, ठीक है ना। तो कुछ प्लैनेट बहुत अच्छे हैं, कुछ प्लैनेट बहुत खराब है, तो मिक्स चलेगा तो मिक्स ही चलेगा। तो अब ये हो गया, जैसे सन की दशा चल रही है, सन इज ऑर्डिनरी, ठीक है, ठीक है। अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ, मैं पहले कुछ चीज समझाऊंगा, फिर आपका हॉरोस्कोप टेकअप करता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए, ठीक है। ओके, गिव मी सम, गिव मी 20 मिनट्स टू एक्सप्लेन, ठीक है। तो आपको समझ आया, क्या एक्सप्लेन करना, मैं समझा, अप्स एंड डाउन्स इन प्रोफेशन, यही देखना हमने, स्टेटस क्या रहेगा, अप डाउन कैसे होगा, ठीक है। फिर एक बार बंद करके ऑन कर, लंबी रहती है।